Welcome to our pet setup. Bismillahirrahmanirrahim. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भाई बहनों, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैर खैरियत से और माशाल्लाह से हमारे सारे जानवर भी खैर खैरियत से। आप पीछे देख रहे हैं कि छत सारा गीला हुआ हुआ है क्योंकि रात से बारिश हो रही है और सर्दियों की ये पहली बारिश थी और बारिश अच्छी खासी हुई है। पहले तूफान आंधी थी अच्छी तरह से, उसके बाद फिर बारिश शुरू हुई है तेज़, और अभी मौसम फुल ठंडा। जो सर्दियों की सही आमद है ना, वो मतलब सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, पता लग रहा है। अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है और बड़े मज़े की हवा चल रही है, और आज दुल्ला को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे पौधों को अल्लाह ताला ने पानी वैसे ही दे दिया। और कल वीडियो के अंदर मैंने 9 नवंबर बोलना था, 9 मई बोल दिया, तो मुझे कमेंट्स में भी आए और काफ़ी लोगों ने भी बोला और बच्चों ने भी घर बोला कि पापा 9 नवंबर था, 9 मई नहीं था। मैंने कहा मैंने तो अपनी तरफ से 9 नवंबर बोला था, लेकिन वो 9 मई मिस्टेकली निकल गया, क्योंकि 9 मई हम लोग वैसे भी नहीं भूल पा रहे। जो भी आता है 9 मई का ही जिक्र करता है कि मेरा 9 मई से कोई तल्लक नहीं है, तो इसलिए वो 9 मई जो है वो निकल गया, 9 नवंबर था। जो अभी फोक की वजह से 9 नवंबर से 12 नवंबर तक गवर्नमेंट ने छुट्टियाँ दी हुई हैं कि इससे फोक कम हो जाएगी, स्मोक कम हो जाएगी। तो पता नहीं स्मोक कम होगी कि नहीं होगी, लेकिन लोग बेचारे काफ़ी परेशान हैं जिनके कारोबारों का मसला बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी को और तो कोई रिलीफ देना नहीं, ना उनको राशन कोई डाल के देना है, ना उनके को बिलों में रिलीफ देना है। तो इसलिए गवर्नमेंट तो कह सकती है कि आप महीना पूरा घर बैठे, आप 10 दिन घर बैठे। तो बाहर अंदर चलते हैं और अंदर ही आपको अपडेट देते हैं, क्योंकि ये बातें तो इस तरह से चलती रहेंगी और ये ना ख़त्म होने वाली बातें। अंदर इनको दाना शाना चारा वगैरह डाल दिया है और ये देखें आप अंदर फुल एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो अब अंदर चलते हैं और अंदर की डिटेल आपको देते हैं, आ जाए अंदर चले। ये देखिए जनाब, दरवाजे के पास आ जाते हैं कि हम बाहर निकल जाए, बाहर तो नहीं ना मैं निकलने देता। यहाँ पे स्टैंड रखे इसको, दाना इधर यहाँ पे इसलिए रखा है कि वहाँ जब बारिश हो रही थी तो ये सारा गीला हो गया हुआ था, तो मैंने कहा बारिश दोबारा, बादल बने हुए हैं, अभी बादल ख़त्म नहीं हुए इसलिए उधर नहीं रखा, तो यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे ये खा रहे हैं। और जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बनीज हैं वो देखिए, जो आप सबके फेवरेट हैं, इनको मैंने चारा इनकी गुफा में डाला था तो ये यही खा रहे थे, और ये बड़े भी यहाँ पर आ गए हैं और आगे यहाँ से खाना शुरू कर दिया। ये सारे अंदर बैठ के यहाँ पर देखिए अंदर, क्योंकि हवा नहीं है तो ये बड़ा अक्लमंद ना इन्होंने काम किया। वो गंदे मेरे पास ही बैठ के बाल झाड़ रहा है, सारी छींटे मेरे ऊपर डाल रहे हैं। इनका भी अजीब फंडा है, ये कुछ भी करते हैं और कहीं पे भी करते हैं, चलते चलते आपके ऊपर पानी डाल देंगे और आप अच्छे खासे जो उनसे गंदे हो जाते हो। सारी मेरे ऊपर छींटे डाल दिए, अब जाके मुँह शुद्ध होता हूँ मैं नीचे। यहाँ पे ये देखे कितनी स्पीड है इनकी, ये मैंने अभी चारा डाला और इन्होंने एंड कर दिया, मतलब 3 टाइम इन्हें चारा मिलता है और फिर भी जब भी डालें ये ऐसे भूखे होते हैं जैसे अजलों से इन्हें कुछ नहीं मिला। वहाँ पे बच्चे को देख लेते हैं, बारिश के बाद मैंने किसी उसको देखा नहीं कि उसकी क्या सूरत हाल है। थोड़ा सा दिखाओ मुझे, थोड़ा सा इधर हो, ठीक है माशाल्लाह से ठीक है। और ये जगह भी खुश्क है सारी ना, क्या आप देखें ये सारी जगह खुश्क है, ये देखें आगे से ना गुस्सा करता। ये जगह भी सारी खुश्क है, यहाँ पे बारिश नहीं आई, ये अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है सारा मामला। ये देखें सारे माशाल्लाह से मॉर्निंग मील ले रहे हैं और सब खुशबाश है। यहाँ पे मैंने ये पत्थर इसलिए रख दिए थे कि यहाँ पे जो पानी आ रहा था ना पत्थरों के ऊपर गिर के स्लोप बन के नीचे जा रहा था, तो मट्टी जो है वो इतनी गीली नहीं हुई, बच गई है। ये वाली साइड जो है मट्टी की खुश्क है और उस साइड पे थोड़ा सा था, तो वो रखने की वजह से वो भी जगह गीली नहीं हुई ज़्यादा। ये नन्ना पहलवान हमारा ना मुर्गा बन रहा है, ये मुझे पहले भी शक था कि ये मुर्गा निकलेगा और ये मुर्गा ही निकला, और बाकी चूज़े देखे माशाल्लाह से कितने बड़े हो गया। और चौथा किधर गया, वो ये है, ये भी मुर्गे है, और ये काला जो था ना ये भी मुर्गा निकलेगा, और ये दोनों मुर्गियाँ, बाकी ये दोनों मुर्गियाँ, और बाकी मुर्गियाँ हमारी सारी उधर हैं। उनके लिए मुर्गा लाना है, लेकिन पहले सेटअप बनाना है वहाँ पे उस सामने उस जगह पे,
वहाँ पे बना के सेटअप, तो फिर इनको वहाँ शिफ्ट करेंगे फिर इनके लिए। और मुर्गा भी इनके लिए सील मुर्गा लाना है, देसी मुर्गा नहीं लाना। ये देखिए, ये देखिए इनकी लड़ाइयाँ देखें, काम चेक करें इनके। ओए वो सालम आया, कितनी ज़ोर से उसको काट रहा था, अभी वो बच्चा है हाला। ये इनके लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना दाने की एक ट्रे लगाऊँ, ताकि ये क्योंकि जगह होती है तंग छोटी तो आपस में लड़ते हैं ये, तो यहाँ पे ना मैं कुछ करता हूँ बंदोबस्त जिससे ना दाना यहाँ पे लंबी ट्रे एक लग जाए और ये सारे इजीली खा ले। इनकी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती, हालांकि यहाँ पे भी दाना है, वहाँ पे भी दाना है, यहाँ पे भी दाना है, यहाँ पे भी दाना है, फिर भी लड़ते रहते हैं। इन्होंने अंडा दिया कि नहीं दिया? नहीं अभी नहीं दिया। वो किधर भाग के वो गया? तीन जोड़े हमारे अभी बैठे हुए हैं अंडों के ऊपर और देखिए रिजल्ट पहले किसका आता है। ये थी दोस्तों आज की मुख्तसर सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह पाक हम सब के जानो माल में बरकत डाले। एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें, दुआएं किस वक्त कबूल हो जाएं, किसकी कबूल हो जाए कोई पता नहीं होता, और जब कोई दुआ करे तो ज़रूर उसको सुन के आमीन भी किया करें, क्योंकि उस अल्लाह ताला किसकी आमीन कबूल कर ले, तो इसलिए दुआ ज़रूर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा, और फेसबुक पे भी सेम हमारा इसी नाम से पेज है, और नाम की सजेशन भी काफ़ी दोस्तों ने भेजी है, तो उस पर भी मैं अभी सोच रहा हूँ कि नाम क्या रखें। तो मज़ीद आपके पास जो जो आइडियाज़ नाम अच्छे अच्छे मिलते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करें कि हम चैनल का अपना नया नाम क्या रखें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल आपसे एक नई सुबह एक नई वीडियो के साथ, ढेर सारी दुआओं के साथ। इजाज़त है अपने भाई को, अल्लाह हाफिज़।